मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक घर की छत से आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगी। अचानक घर में लगी आग से आस पड़ोस के लोग भी सकते में आ गए। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने क्षेत्रवासियों की मदद से आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड टीम को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम कुछ ही समय में मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। क्षेत्रीय पुलिस का कहना था कि घटना की जानकारी घटनास्थल के करीब रहने वाले असलम द्वारा दी गई थी, तो वहीं गृहस्वामी खुर्शीद आलम का कहना था कि घटना के वक्त घर में कोई नहीं था, घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे। गृहस्वामी का कहना है कि आग लगने की घटना से लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह अभी भी साफ नहीं हो पाई है। गनीमत यह रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। खुर्शीद का मकान है, आग लगी है। तत्काल हमने ये गाड़ी कटघर से और ये पायलट रोड से रवाना किया और मैं भी घटनास्थल पे आया, तो यहाँ जो है पता चला कि लोग शादी में गए हैं। आसपास के लोगों ने मिल करके इसको बुझवाने का प्रयास किया। फायर यूनिट पहुँची, तत्काल इस पर जो है पानी चला करके बुझाया गया और आग पर काबू पाया गया। सर कितनी देर यहाँ पर कामयाबी हासिल करने में मिली लगी? लगभग 1.25 घंटा मान के चले, 1.25 घंटा लगा इसको। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है। ठीक, असलम भाई जब आग लगी थी आप मौके पर थे, सब बता रहे हैं लोग आपने काफ़ी मदद करी, किस तरीके से आपको भागदौड़ करनी पड़ी? भागदौड़ घर में ताला लगा था, सब लोग मेहमानदारी में गए हुए, ताला तोड़ने की कोशिश करी, ताला टूट नहीं पाया, तो दूसरों अपनी छत पे से लोगों को चढ़ाया, वहाँ से पानी डलवाया, दूसरों की छत पे चढ़े, वहाँ से सर और हमने पानी डाला, पानी डाल डाल के थोड़ी आग बुझाई। जैसे जाकर पुलिस कितनी देर बाद आ गई? पुलिस तुरंत करंट फोन करते ही आ गई और फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड को आने में भी 2-4 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं। किसका मकान है ये? पीछे ये जगह और सब लोग शादी में गए हुए थे यहाँ से जी, और आधा घंटे पहले हमें पता चला कि घर में आग लग गई। सारे लोग भाग के आए तो आग इस कदर जली हुई थी कि कहीं से कहीं तक अंदर पहुँचने की जगह नहीं थी जी। बाहर का लोगों ने आग पानी डाल के आग बुझाई है और उसके बाद ही फायर ब्रिगेड वाले आए। कितना नुकसान हुआ? लगभग नुकसान लगभग 1 लाख के आसपास का माल जल गया। अच्छा, घरेलू सामान सब जल गया? अंदर पैसे वैसे भी लगे थे, वो अब अंदर देखने के बाद पता चलेगा कि बचे या खत्म हो गए। अच्छा, कितने लोग रहते हैं इस मकान में? एक ही परिवार रहता है और भी रहते हैं? एक ही परिवार रहता है। फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई, क्या बता रहे हैं लोग? फायर ब्रिगेड आग जब बुझ गई थी तभी आए, बाकी तो हमने सब मोहल्ले वालों ने आग बुझा दी थी, उसके बाद ही आए थे। अभी आप यहाँ पहुँचे, क्या पूरा मामला है? ये काफ़ी देर पहले की घटना है, ये खुर्शीद है खोकरान मोहल्ले में। इसी मोहल्ले के असलम नाम के लड़के ने मुझे सूचना दी, मैं तभी मौके पर पहुंचा, काफ़ी आगों की लपटें थी और फिर असलम ने और हमने मिलकर एक सिलेंडर जो वहां रखा था, सब लोग ये कहते कि सिलेंडर निकालो निकालो, तो हम लोगों ने दोनों मिलकर सिलेंडर बाहर निकाला। उसके बाद उसी टाइम जब सूचना मिली थी, कंट्रोल रूम को सूचना दे दी थी फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड वाले भी आए मौके पर, सब ने मिलकर, इंस्पेक्टर साहब भी थे हमारे, सब ने मिलकर आग पर काबू पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि असलम और उसका परिवार जो खोकरान में इसी के मोहल्ले के बराबर में रहता है, पूरे मोहल्ले वालों ने बाल्टियों से सब ने मिलकर आग बुझाई, फायर ब्रिगेड ने भी आग बुझाई। सर ये पता है किस कारण लगी आग? आग का ये कोई पता नहीं लग पाया क्योंकि काफ़ी लपटें थी आग की बहुत ज़्यादा। जान माल का कोई घर में रहता नहीं था और उसमें कुछ सामान था जैसे फ्रिज था, अलमारी वगैरह थी, कड़ियों में आग लगी थी, वो नुकसान हुआ, वैसे कोई जनहानी ऐसी नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में आई सर? फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जैसे हमने सुना थी 5-6 मिनट के बाद ही गाड़ी आ गई। घर में आग लगी, मतलब मस्जिद में सब लोग शादी में गए थे, बच्चे सब सारे चारों लड़की है, मतलब लड़की है, घर में बच्चे सब वहाँ गए थे। अचानक 10 मिनट पहले मैं मस्जिद में से वहाँ आया था, घर से मस्जिद में बैठने की थी, उसके बाद 10 मिनट बाद आवाज़ आ गई तो सारे घर में आग लग गई। कैसे लगी, क्या लगा, घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी, एक सेबल जल रही थी, 5 बाल्टी बस। कितना नुकसान हुआ? करीबन 3-6 लाख हुआ गैस था। अच्छा, कोई जनहानि हुई है? हाँ ना, जान हो गैस था, कपड़े नत्ते सब जल गए। किस कारण लगी कुछ पता? कुछ नहीं पता।